आज ये सपना साकार हुआ जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की देशवासियों का सपना था, वो भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गौरव गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने वह सपना साकार किया और 370 और 35 का जो कलंक था आज वह समाप्त हो गया। इसलिए जो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने की आप सभी को बधाई, सभी पत्रकार मित्रों को बधाई, आपके माध्यम से देशवासियों को उत्तर प्रदेश से बधाई, माननीय नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में उसे अनुच्छेद 370 बाधा था, वह बाधा दूर हो गई। जो सरदार पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तथा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का सपना आज साकार हुआ है। अनुच्छेद 370 और 35 ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद, परिवारवाद तथा भ्रष्टाचार जो दिया था वह समाप्त हुआ। अनुच्छेद 370 और 35 ए का लाभ केवल तीन परिवारों को मिला। जम्मू कश्मीर की जनता मौलिक अधिकारों से वंचित रही। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी ने राजनीतिक अदम्य साहस दिखाते हुए वह कर दिखाया जिसकी इस देश को पिछले 7 दशकों से प्रतीक्षा थी। देश के अन्य राज्यों चुनाव लड़ते समय अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। मोदी सरकार एक शांत सुरक्षित समृद्ध जम्मू कश्मीर के संकल्प के साथ पूरे देश को खुशहाली का पैगाम दिया है। पिछले 7 दशकों से उम्मीद लगाए देश की उम्मीद पूरी की है। आज जम्मू कश्मीर के साथ ही पूरे देश के हर्ष और उल्लास का दिन है। राज्य के अंदर इस कार्यक्रम को राज्य के अंदर जिला केंद्रों पर भी प्रेस करना है और सभी कार्यकर्ता जो कार्यक्रम तय किए हैं 370 की समाप्ति को लेकर सभी डिस्ट्रिक्ट केंद्रों पर 10-11 में कार्यक्रम करना है और 3-4 दिन के अंदर मंडलों में कार्यक्रम होना है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सोच होती है जो राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, राजनीति को वह व्यापार नहीं समझते हैं, राजनीति एक मिशन है। आज वह मिशन हम सबका पूरा होने के लिए जहां पूरा हो रहा है उधर आगे हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जो हमारी सोच थी कि देश विश्व गुरु बने उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। आज जैसे आज महत्वपूर्ण मोदी जी की सोच थी जल संचय को लेकर, आज राज्य के मैं योगी जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि सभी जनपदों के अंदर जो 22 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य लिया है वह आज से उस लक्ष्य के लिए पूरे जनपदों में वृक्षारोपण हो रहा है, कई जगहों पर वृक्षारोपण हो रहा है जिससे जल संचयन के लिए उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा। इसलिए योगी सरकार को मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
अभी देख लेते हैं, अभी मेरे संज्ञान में आया नहीं है। पार्टी ने प्रोग्राम चर्चा हो गई है, लगभग तय है। देखिए सही कर, देखिए प्रकृति भी इच्छा थी, प्रकृति भी चाहता था कि मेरा स्वर्ग बच जाए, और इस लक्ष्य पूरा करने के लिए